पार्टी और मुतहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान लव हेट की तारीख कोई दो दिहाई पर मुहित है पूरी एक दिहाई की जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद जब पीपल्स पार्टी इफ्तार में आई तो उसको इतार में लाने में बुनियादी किरदार उस वक्त एम क्यू एम ने ही अदा किया था मगर यह इत्तेहाद बड़ा मुख्तर रहा बाद के दिनों में यके बाद दीग दोनों मेन स्ट्रीम जमातों ने एम क्यू एम के खिलाफ ऑपरेशन किया ताकि अक्टूबर उन्नीस सौ निन्यानवे में जब जनरल परवेज मुशर्रफ इतार में आए एम क्यू एम को एक बार फिर आजादाना अपनी सरगर्मियों को जारी रखने का इजाजतना इक्तदार के तमाम खूटो से मिला एक और दिहाई गुजर गई। एक बार फिर पी पी में आई और फिर से एक बार दो दिहाई बाद पी पी और एम क्यू एम लव हेट सियासत का आगाज होता है एम क्यू एम आरोप पहला हमला तेरह दिसम्बर दो हजार दस को उस वक्त के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा अपनी शोला बयानी ऐसी करते हैं सबसे बड़े में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी टारगेट जिसका जवाब एम क्यू एम अलहदगी की और इस्तीफे जो है वो टेंडर करते हैं मगर पी पी की क्यादत एक बार फिर आगे बढ़ती है एम क्यू एम को गले लगाया जाता है मगर इस बार ये लफ बहुत मुख्तर होता है के मसला कश्मीर आ जाता है मुतमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत से करने का ऐलान करती है हुकूमत से हैदगी ही नहीं होती गवर्नर भी रुखसत हो जाते हैं बड़े जोरों का रन पड़ता है दो दहाई बाद पहली बार एम क्यू एम नून लीग ऐसी गले मिलती है मगर ये मिलना चंद दिनों आरोप ही मुहित होता है के पी पी एम क्यू एम की सिंध में अलहदगी की मुतामिल ही नहीं हो सकती दूसरी जानब भी आग बराबर लगी हुई थी कि एम क्यू एम भी सिंध में पी पी ऐसी दूरी की मुतामिल नहीं हो सकती लव और हेट की ये तारीख हजारों घरों को उजाड़ गयी सैकड़ों की जाने ले गयी क्या अब इस बात की उम्मीद की जाए कि एम क्यू एम और पी पी का ये मिलाप साल दो हजार बारह के इलेक्शन तक जारी रहेगा जी दूसरा पहलू में कराची से मुजाहिद रेलवी इस्लामाबाद आबाद से एतक और मेहमान हैं एम के एम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सीनियर रहनुमा मोहतरम हैदर अब्बास रिवी साहब मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इस्लामाबादी से आगाज़ होना चाहिए एतशाम क्योंकि अगर मैं <laughs> क्यों हैदर भाई ऐसा है ना अच्छा चले कर लेते हैं हैदर साहब मैं जी क्या कह रहे थे हैदर भाई ऐसे ही है ना इस्लामाबाद से बात होनी चाहिए इस्लामाबाद से पहले हो जाए ओके वालेकुम सलाम हैदर साहब मैं अभी बैठ के सोच रहा था और कि ये सवाल करूं और मेरा ख्याल था मुझे ऐसा सवाल करेंगे फिर मैं करूंगा लेकिन एकदम ही मुझे साहब ने कहा आप ही बात करें ये एक चंद दमे पहले ये ख्याल मुझे आया तो मैंने कहा चलें सवाल मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी सियासत में कहते हैं सब कुछ चलता है दुश्, दोस्त दुश्मन सियासत में एकदम बनते एकदम चले जाते हैं मुझे याद आ रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जब रिपोर्ट ले हुई पिछले दिनों तो जितनी तारीफ़ आपने जो निसार की की थी मेरा ख्याल है लोग उनके अपने लोग भी कहते हैं कि शायद किसी ने नहीं की होगी तारीफ़ फिर हम देखते हैं कि अभी कल परसों आपकी पार्टी ने इस कदर उनके खिलाफ हुए कहा कि जी दहशत गर्द हैं हकीम सईद को इन्होंने मारा उसके बाद जितनी मजहबी तनजीमें हैं वो जो आ, जो डिफंक तंजीमें हैं उनको नवाशी साहब सपोर्ट करते हैं दूसरी तरफ हमने देखा कि जो निसार साहब ने चंद दिन पहले इतना सख्त बयान दिया ये कहा कि जी एम से बात करना गुनाह कबीरा है आज उन्होंने अखबार वालों को हैरान कर दिया है बात कह के कि जी हम सब लोगों से बात कर सकते हैं करेंगे इंक्लूडिंग एम क्यू एम मैं ये कहता हूँ लोग ये कहते हैं के ये सियासत में सब कुछ चलता है पार्टियों के अपने मफादात हैं हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्या कहेंगे असल में आ... थोड़ा श्याम भाई बात यह है कि सियासी जमातों को और खासतौर पर ज्यादा जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके ऊपर इस पूरे सिस्टम को चलाने की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और मैं ये समझता हूँ कि बयान देते वक्त कोई भी बयान देते वक्त किसी भी पॉलिटिशन को चाहिए कि वो कभी भी कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे क्योंकि मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है जो है, जो बात की जा रही है वो रिकॉर्ड हो रही है और कल को वो आपके खिलाफ किसी टॉक शो में आप ही के सामने पेश भी की जा सकती है लिहाजा जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं हमारी तो हम तो किसी गिनती शुमार में नहीं है मगर जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको वो चाहिए कि वो जब भी बात करें वो एहतियात के साथ करें और वो ऐसी बात करें जो शायद जिसको आप सहाफ़ती ज़बान में कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट ना हो क्योंकि हालात तब्दील होते वाक़ तब्दील होते देर नहीं लगती और फिर वो एक ऐसी सूरत हाल में जब आप पहले कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे चुके होते हैं या कोई इतनी हार्ड हिटिंग पॉलिसी के साथ आप सामने आए हुए होते हैं तो फिर जो है वो हजीमत का सामना शर्मिंदगी का सामना निदामत का सामना या कम अज कम खजालत का सामना जरूर करना पड़ता है तो भाई तो भाई आप भी वही कर रहे हैं आपकी पार्टी भी वही कर रही है जिस तरह पहली दफ़ा हमने सुना है कि हकीम सईद के मर्डर का इल्जाम नवाशी साहब पे आप लोगों ने लगाया इस तरह कहा गया कि जितनी डिफंक्ट पार्टियाँ हैं लश्कर जो जंगवी है दूसरी तीसरी है उनको नवाशी साहब सपोर्ट करते रहे इससे पहले इस तरह के बयान आपकी लीडरशिप की तरफ से आपकी तरफ से नहीं आए थे देखिए एक बात इतमाम साहब मेरे ख्याल से हमें जहन में रखनी चाहिए कि समाइम्स यू नीड टू पे बैक इन द सेम कॉइन अगर कोई ऐसी बात की जा रही है जिसमें बराह रास्त एम क्यू एम के ऊपर इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं तो फिर र ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपनी नज़र में रखती हैं जो पंजाब में कलंदन तनजीमों के साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है मुख्तलिफ वज़रा उनसे जाके मिलते हैं झंग की सूरत हाल आप अहले झंग से मालूम करें अभी वकास को अगर आप लाइन पर ले लेंगे तो वकास आपको बताएंगे जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर स्टेट हैं लेबर एंड मैन पावर के वो जंग से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं बस बसा अवकात वो मीडिया पे डिस्कस और डिबेट नहीं होती हैं और बहुत सारे लोग इस तरह की सिचुएशन को सामने रखते हैं कि बहुत सारे तीर वो अपने तरकश में रखते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो कि कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो जहाँ पे फ़्रिक्शन हो जहाँ पे हीट जनरेट हो जहाँ पे रेजिस्टेंस हो स्मूथ सेलिंग भी मेरे ख्याल में हो सकती है अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात ना हो जो किसी के लिए भी नागंवार खातिर हो और ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में कि, कि जब कहीं बात किसी भी सियासी जमात के कायद के हवाले से मंसूब की जा रही हो चाहे वो कायर तहरीक जनाब अलताफ़ हुसैन हो चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हों चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों खासतौर पर ये स्टेटमेंट्स का जो एक सीरीज चल निकलती है उसमें तमाम ही पॉलिटिशन को चाहिए कि वो एक दूसरे की पॉलिसीज को जरूर तनकीद का निशाना बनाए मगर वापसी का एक रास्ता खुला रखें और कायदीन को अटैक ना करें ये इसी सिलसिले में हैदर रिद्वी साहब जो आप कह रहे हैं आपके घर में आप भी कोई मिसाली किरदार नहीं रहा है आप जब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी लेकिन अगर आप मैं एम के एम के बयानों की भी अगर बहुत सारे आपके पुरजोश रहनुमाओं की जिनमें माशाल्लाह आप भी शामिल हैं तो वो भी बयान देते वक्त ख़ास तौर पर चौधरी निसार या मियां नवाज़ शरीफ के बारे में कोई कम रियायत नहीं करते लेकिन उससे पहले मैं और और तरफ आऊँगा वो जो आप ये कहते कह रहे थे कि सियासत में वहाँ तक नहीं जाना चाहिए जहाँ वापसी ना हो अगर मैं इस तरफ आऊँ कि जब आपने आखिरी बार पीपल्स पार्टी से सेलहदगी इख्तियार करी जब आपने अपने गवर्नर को भी भेज दिया सूबाई हुकूमत भी छोड़ दी वफाकी हुकूमत भी छोड़ दी और मैंने उस वक्त हैदर भाई आपकी ख्याल से मालूम किया था कि हमने सुना है कि सियासत में मोजरे नहीं होते अगर ये मोजरे ही होगा कि आप दोबारा वापस आएंगे तो आप लोगों ने कहा था हरगज़ हरगज़ नहीं लेकिन फिर फिर, फिर वाप वापस आ गए इसलिए फिर आज ये सवाल आ रहा है कि अब इस वक्त जो आप पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं कितने दिन साथ हैं कोई और जुल्फ़ुख़ार मिर्ज़ा आएगा आप पर बयानों की बमबारी करेगा गोलीबारी करेगा आप उसको इशू बनाकर तमाम जो है नेशनल इंटरेस्ट छोड़कर सिंध के अमन को छोड़कर ब्रॉडर जो है वो अलायंस को छोड़कर एक बयान की बुनियाद पर कहेंगे खुदा हाफिज लड़ाई शुरू आगो खून का खेल शुरू इसलिए मैं कह रहा हूँ हैदर भाई कोई आ, इस हवाले से अभी भी लोगों को शुकू शुवा दें कैसे हम यकीन कर लें और इसमें हमने सवाल भी उठाया था क्या अब हम ये समझे जो अलायंस आपका पीपल्स पार्टी से हुआ है साल दो इलेक्शन तक जारी रहेगा भाई एक एक सांस में बहुत सारे सवाल कर लिए आपने और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके आपके तमाम तब में आप भी एक सांस में दे जवाब की कोशिश करूं मैं कोशिश करूंगा पहली बात यह कि शायद आप मुझे ये क्रेडिट तो नहीं दे सके और मैं अपने आप को भी नहीं देता कि मैं कोई बहुत ज्यादा ख्याल करने वाला हूँ मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ बहुत हद हद्कान कोशिश करता हूँ इस बात की कि बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग ना हो जाऊँ और जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं किसी भी सियासी जमात के कायद के हवाले से बात करने में इंतहाई वक्त लेता हूँ और कभी कभी मुझे आ, बहुत सारे लोगों की तरफ से इस बारे में तनकीद का सामना भी करना पड़ता है कि आप उतने हार्ड एटिंग नहीं थे जितने हार्ड एटिंग आपको होना चाहिए था और जहां तक आप चौधरी निसार साहब की बात कर रहे हैं तो चौधरी निसार साहब किसी तंजीम के कायद नहीं है वो अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर के खिलाफ बात की जा सकती है और कल जहां पर जब बालों के बारे में आप जिक्र कर रहे नहीं नहीं मैंने कभी नहीं कहा आप हैदर भाई का बयान अलग वसीम अख्तर का बयान अलग और बाबर अलग यानी आप यह है कि इवन बालों और और गंज और... मैं जाती तौर पर अपनी बात कर रहा हूं मुजाहिद भाई कि लोग स्लिप ऑफ टंग करते हैं मैंने खुदा ना करे मैं आपको यह बता रहा हूं तमाम तर जिम्मेदारी के साथ क्योंकि सारा रिकॉर्ड मीडिया के पास मौजूद है कि किसी भी शख्स के ऊपर मैं इंतहाई गुरेज करता हूं कि पर्सनल अटैक करूं मैं कभी भी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक कोशिश करता हूं कि ना करूं शायद जिंदगी में एक आध दो बार हुआ हो शायद 500 से ज्यादा मैं टॉक शोज में बैठ चुका हूं, मगर ज़िंदगी में अगर पांच दस बार ऐसा हुआ हो तो मैं माफ़ी का खासगार हूं हर उस आदमी से जिसके लिए मैंने ऐसी लिए। कभी कोई बात की हो जबकि मैं कोशिश करता हूं कि अब ऐसी बात जाती तौर पर ना जाए एक ये एक हो गई बात दूसरी बात जो गवर्नमेंट से सेलहदगी का ऐलान था मुजाहिद भाई आप तमाम लोग बहुत ही कदावर सहाफ़ी हैं देखिए मैंडेट के ऊपर इनक्रोचमेंट कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं करती अगर मुजाहिदी मुझसे ये कहें या एम क्यू एम से ये कहें या, या एहतिशाम भाई ये बात करें कि भाई मैं आपकी सीट से इंतख्या लड़ना चाहता हूं तो शायद ये बात सोची जा सकती हो क्योंकि वोटर सपोर्टर्स हमारी जमात के ही हैं और हमने पहले ऐसे लड़ाए भी हैं रहमान मलिक साहब आज भी सपोर्टेड कैंडिडेट हैं एम क्यू एम के उससे पहले भी सेनेटर्स ऐसे रहे जो एम क्यू एम के वोटरों से जीतते रहे मगर अगर कोई यह कहे कि आपकी सीट पर हम ताकत के साथ अपनी पोजीशन लेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो इंतबात तो नहीं होंगे तो मैंडेट को इंक्रोच करने की इजाजत कश्मीर के मैंडेट की बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल कश्मीर उसी की कश्मीर बात कश्मीर में, में तो आपका मैंडेट उस तरह नहीं था मुजाहिद भाई आप कश्मीर की जो दोनों नशिस्तें जो पाकिस्तान में मौजूद है उसका सबसे बड़ा मैंडेट एम क्यू एम के पास है अगर आप उसका रिकॉर्ड देख लें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि वो मैंडेट तीस हजार वोट अगर एक हल्के में चालीस पैंतालीस हजार वोट है और अगर तीस हजार वोट कराची से है तो वो सारा तो मैंडेट के लिए इलेक्शन है। लड़ते हैं तो अगर हम ये कहें कि ठीक है इलेक्शन लड़े कोई इलेक्शन नहीं लड़ा आपने तो इलेक्शन मेरी तो बात सुन लीजिए अगर कोई ये कहे आपसे क्या हम इलेक्शन ही नहीं कराते नहीं, नहीं कराने मुलतवी करा देते हैं इलेक्शन कराने दें ऐसे कैसे कराने दें इसका मतलब यह कि कश्मीर में इलेक्शन लड़ने है 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 जो कश्मीर की सीटें पाकिस्तान में है, उनके ऊपर इलेक्शन ना हो ओके ये कैसी बात की है तो मेरी पूछना चाहूंगा सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं सिर्फ कश्मीर की दो नशितों पर आपने इतनी बड़ी लड़ाई एक नहीं नहीं कश्मीर की दो नशिस्तों पर इतनी बड़ी लड़ाई नहीं अब दूसरी बात दूसरी बात वो तो आपके सामने भी आ गई और आपके प्रोग्राम में भी आ गई जो सिंध की लीडरशिप थी अब जो सिंध की लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें कायम अली शाह साहब को जिस तरीके से इनक्रोच किया गया जिस तरीके से जुल्फकार मिर्जा साहब ने सिंध के सारे इख्तियार अपने हाथ में ले रखे थे और गुजश्ता बयान में एम क्यू एम के खिलाफ उनकी जी नफरत जाती नफरत सामने आई है देखिए इख्तलाफा होते हैं मुजाहिद भाई मगर उनकी लिमिट्स भी होती हैं मगर अगर okay. आप किसी शख्स की जाती नफरत उसके बयान से उसके चेहरे से यहां तक के जो जबान इस्तेमाल की गई भूखे नंगे वाली बात जो जबान इस्तेमाल की गई उससे आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि सिंध के, के पॉलिटिकल सेटअप में वो तमाम लोग जो पीपल्स पार्टी की जानब से मूवर्स एंड शेकर उनका रवैया एम के साथ क्या था और बार okay, बार आज वो रवैया उन्होंने ना सिर्फ एम के खिलाफ बल्कि अपने सबसे बड़े मोहसिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ रवैया इख्तियार किया हुआ है और वो मूवर भी, वो, मेकर्स भी वो पॉलिसी मेकर्स भी तो जाती नफरतों के साथ सियासत करने की गुंजाइश कहाँ बड़ी आसानी से मैसर आती है भाई? अच्छा चले हैदर साहब दो चीजें पूछना चाहूंगा मुख्य तौर पर एक तो इस्लामाबाद में आजकल ये बात आमतौर पर कही जा रही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ना वो किसी वक्त भी गिर सकती है अब कॉन्सप्रेसी थेरी में जाएँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं कौन क्या कर रहा है कहा जाता है कि किसी वक्त भी कुछ ऐसा झटका एम को एम की तरफ से दिया जाएगा कि किसी बुनियाद बना के कि किसी चीज़ को एम को एम फिर जाएगी वापस क्योंकि एम को एम ने जो बुनियाद कई दफ़ा बुनाई खास तौर पर प्राइस बढ़ाने वाली बात तो फिर बढ़ रही है पेट्रोलियम प्राइसेज अब देखें ऑल टाइम हाई तीस परसेंट जो है ना उन्होंने बढ़ा दिए लेके बिजली की कीमतें वो कहते हैं कि दबाव बढ़ेगा आवाम का तो शायद बाहर निकल आएगी दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि जो भी जुल्फार मिर्ज़ा तो चलें ठीक है आप जवाब देना दें लोग कह रहे हैं कि जी वो टायराट खुला हुआ है असल लोग सवाल ये पूछते हैं कि जिस अंदाज से जुल्फ़्कार मिर्ज़ा को पार्टी के अंदर से पिजराई मिल रही है दारी साहब ने यहाँ पे लोगों को बुला के मुझे जाती तौर पे पता है कि उन्होंने डांटा है एम पी एस को क्यों मिल रहे हैं इसके बावजूद लोग ऑन कर रहे हैं पब्लिक में उनको कहते हैं कि जी जल्फ़ार मिर्ज़ा पार्टी में हैं आ, वो, वो कहीं नहीं छोड़ के गए हम उनको मिलते रहेंगे ये क्या चीज़ शो करती है कुछ लोगों तो का ख्याल है कि कल फिर वो कैबिनेट में आएंगे दोबारा और ये सब कुछ जो है ना ये फ़र द टाइम बीइंग यूज़ किया जाएगा फिर एम क्यू एम के खिलाफ कुछ ना कुछ निकाला जाएगा तो ये जो एम पी एज उनको मिलने हैं पंद्रह दस तो फिर तीन चार मिनिस्टर्स भी मिले हैं ये कहानी क्या है देखिए पहली बात तो ये कि जो सूरत हाल है इस वक्त सिंध में सियासत की और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो जुल्लफ़ार मिर्ज़ा साहब का रोल है वो तो अब अजर मन शम्स है वो बातें सारी तशदस बाम हो चुकी हैं सबके सामने आ चुकी हैं और सबसे बड़ा लम्हे फिक्रिया तो ये पीपल्स पार्टी के लिए ही है कि उनको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तः रास्त मोतमद खसूसी स्पीकर कौमी असम्बली के खाविंद और एक बहुत बड़े इंसाइडर जो हमारे डॉक्टर ुल्फ़कार मिर्ज़ा हैं उनकी जो सिचुएशन है सिंध में अगर उनको पज़ीराई मिल रही है तो पहला तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक लमहे फ़िक्रिया है दूसरी बात एहतान तो भाई मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि नफ़रतों की बुनियाद पर सियासत ज़्यादा तवील हो नहीं सकती सियासत नज़रियात की बुनियाद पर होती है और नज़रियात में इख्तलाफात की बुनियाद पर होती है और आज की मॉडर्न टर्मोनोलॉजी में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है अगर सिर्फ नफरत की बुनियाद पर सियासत होनी है अगर नंगे भूखे ही किसी का नारा लगना है तो फिर ये सियासत ज़्यादा सस्टेनेबल होती नहीं है वो बहुत जल्दी वो बबल की तरह होती है कि वो ब्लो होता है या रास्ता आपका रोक सकते हैं आइंदा इलेक्शन में आप कहा जा रहा है कि जी आप पंजाब में आते आते रुक गए और फिर अब तो लोग कहते हैं कि जी सिंध में जो आपने एक्सपेंशन करनी थी वो जुल्फार मिर्जा ने रुकवा दी इंटीरियर में इससे आप समझते हैं इतफाक़ करते हैं इस बात से देखिए एक तो ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर कट दिखाई देती हैं कि जब जब एम ने उड़ान भरने की कोशिश की है कुछ कंसर्न क्वार्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि वो डी करें और एम क्यू एम ने भी थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटी को तब्दील किया उसमें और एडजस्ट किया एम क्यू एम ने और एम क्यू एम पाकिस्तान के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंची और कॉर्नर के बाद दोनों साइड से एम क्यू एम ने पाकिस्तान में अब बजाय के आप सदन पंजाब से उतरने के आप नॉर्दर्न पंजाब से उतरें एक ये स्ट्रैटी एम क्यू एम ने अडॉप्ट की उसके अलावा सिंध में जो पूरी कोशिश है एम क्यू एम की वो भी सबके सामने जो जलसा हुआ हमारा बिट्छा के ऊपर इट वी वॉज एन आई ओपनर फॉर सो मैनी पीपल तो वो वक्ती तौर पर चीज़ें एट हॉल्ट आती हैं मगर एम क्यू एम की जो बाउंसिंग बैक कैपेसिटी है उससे भी आप लोग बहुत अच्छी तरह आ, लेकिन हैदर भाई मैं आपको फिर उस तरफ लाऊँगा कि अब माशा जब मुझे याद है कि आठ नौ साल पहले जब मैं आपसे गुफग करता था माशाला आपके बाल बिल्कुल स्याह चमक रहे होते थे अब उसमें सफ़ेदी भी आई है गुफ्तु में भी बुढ़द और धीमापन आया है यकीनी तौर पर मुतहद कॉमेंट अब वो महाजिर कॉमेंट यंग लड़कों की नहीं है जिन जिन जो लाखों लोगों का हजूम लेकर कहता था कि आओ सड़कों पर कब्जा कर लो तहस नहस कर दो लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक मुतहदा कौम मोमेंट उस महाजर स्टूडेंट फेडरेशन वाली हंगामा सियासत से नहीं निकली उतनी मेचोरिटी अभी भी नहीं नजर आती अभी भी फ़ार मिर्ज़ा जैसा एक आदमी उठता है एक बयान देता है और आप पूरी शिद्दत से उस पर अपने रद्दमल का इधार कर देते हैं दूसरी तरफ बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेचोरिटी का सबूत देती है उनकी क्यादत वो डिसोन करते हैं उसको उसका इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं और आज आपको इल्म है कि वोल्फ़ुख़ार मिर्ज़ा कहाँ खड़े हैं इसलिए मुझे लगता है कि एक और फ़ुख़ार मिर्ज़ा आ जाए एक और शाही सैद आ जाए सिंध का शहरी इलाक़ा आपका इलाका है और लोग ये कहते हैं कि जब आप रद्द अमल में शाही सैयद के या मिर्ज़ा के आते हैं कराची के अवाम शिकार होते हैं आग यहाँ लगती है तालीमी इदारे यहाँ बंद होते हैं बाजार यहाँ बंद होते हैं सफ़र आपका वोटर करता है सफ़र आपका हामी करता है बीस साल बाद कराची के बल्कि सिंध के शहरी के लोग ये चाहते थे कि एम के एम उन्हें प्रोटेक्शन दे तहफ़ दे लेकिन मुझे ऐसा लगता है हैदरबाई ऐसा नहीं हो रहा इस तरह फील नहीं कर रहे प्रोटेक्शन तो रिएक्शन में ने, ने, से भी हो जाते हैं। ने, 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 ये एक अलग बात आ गई जी मैं पहले तो शुक्रगुजार गुज़ार हूँ मुजाहिद भाई आपका इसका कि एक ज़माने में नबे के अवैल में या अस्सी के अविर में हमारे लिए एक लफ्ज़ मशहूर था कि जी लौंडे लपाड़ों की तंजीम है और वो लौंडे लपाड़ों की तंजीम में अब तो चिट्टे बाल वाले जिस तरह एहतशाम भाई की ज़बान में पंजाबी में कहते हैं जी होंडते बाल भी चिट्टे हो गए ना जी तो वो सारे बाल भी सफेद हो गए और कभी खिज़ाब भी नहीं लगाया तो जाहिर है कि एक उम्र गुजर गई इसी दश की सयाही में तो मेरे ख़्याल से किसी के अंदर भी थोड़ी सी बुरद थोड़ी सी मामला फहमी आ जाती है जहाँ तक बात रह गई महाजिर कौमी मूवमेंट की या महाजिर रंग की मेरी एक बात आज तक ये समझ में नहीं, नहीं। आई मुजाहिद भाई कि एम क्यू एम अगर बलोच के लिए बात करे तो एम क्यू एम एक लसानी जमात नहीं है एम क्यू एम अगर पख्तूनों के हकूक़ की बात करे और खैबर पख्तूनखा के लिए जिस तरीके से हमने डिफेंड किया अठारहवीं तरमीम में आ, पुख्तूनों के इस हाक्कों के जी उनके सूबे का नाम पुख्तनखा होना चाहिए तो हमने वो बात की लोगों ने हमें लसानी जमात का लेबल नहीं किया अगर हम पहले पंजाब सराइकियों गिलगित बिल्दस्तानियों के हकूक की बात करें तो हम एक लसानी जमात नहीं होते हाँ जब हम मुहाजरों के हकूक की बात करें तो आउट ऑफ द ब्लू हम एक लसानी तंजीम डर कर दिए जाते हैं तो ये रवैया मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि क्या आप, आप मैंने कहा था जो दो दहाई से अब आप एक मेच्योर्ड पार्टी की हैसियत से रिएक्ट नहीं करते आप भी जब जुल्फ़ार मिर्जा या शाहिद सैयद सामने आ जाता है मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इस तरह का कोई बयान या शख्स आता है तो आप फिर उधर धकेल दिए जाते हैं या उस तरफ चले जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए मुझे आपका रद्दे हम कैसे ये मान लें कि कल आप फिर पीपल पार्टी से नहीं लड़ेंगे जुल्फ़ुखार मिर्जे अगर शर्जील मेहमन के एक बयान पर आप आ जाएंगे बाहर मुराद अली शाह के एक बयान पर आप इस तरीके से बाहर आ जाएंगे देखिए मैं अर्ज करता हूँ ना आपसे कि जुल्फकार मिर्जा साहब के बयान का जवाब देने के लिए हमने आठ रोज लगाए आठ रोज और उन आठ रोज में हम चुप करके बैठे रहे कि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जब तक हमें इस बात का अंदाजा ना हो कि भाई ये कहाँ से हो रहा है मगर जब देखने को ये मिला कि अब इल्ज़ाम उस नहज तक पहुँच गए जहाँ पर मीडिया चैनल एक हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि आप गद्दार हैं या नहीं हैं आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं या नहीं हैं जुल्फ़ार मिर्ज़ा साहब तो कह रहे हैं आप जवाब क्यों नहीं दे रहे अब मुझे एक बताइए कि एक, एक ऐसी जमात जो कि बानिया ने पाकिस्तान की औलाद है जिन्होंने 20 लाख जाने पाकिस्तान बनने पर दी 7 लाख जाने जो है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए बांग्लादेश में दी उससे बार बार हर मीडिया चैनल का हर एंकर सिर्फ एक सवाल कर रहा है जुल्फकार मिर्जा आपसे ये कह रहे हैं कि वो आप मुल्क दुश्मन है आप जवाब क्यों नहीं दे रहे मिर्जा की क्या हैसियत एक सिर्फ एम पी ए बाद में वजीर भी नहीं रहा जनादार भी नहीं रहा ऐसा हो देखिए देखिए कहता अगर कोई वबा रहमान मलिक कहता अगर बाबा रहमान कहते अगर सरदार से कोई भी ख्याल का का से मुख्तफ टी वी चैनल्स परुल्फ़ुखार मिर्जा साहब तशरीफ लाए और उन्होंने यह कहा कि अस्सी फीसद सिंध का चीफ मिनिस्टर मैं हूँ थे तो नहीं है भी नहीं देखिए अब ये बात एक बड़ी बहस है मुजाहद भाई कि कायम अली शाह कितने फंक्शनल एक्टिव और इफेक्टिव हैं और उनकी जगह जो है आदमी क्लेम कर रहा है कि मैं अस्सी फीसद चीफ मिनिस्टर हूँ वो कितना फंक्शनल एक्टिव और इफेक्टिव है बात सता पर उस सता पर जहां तक चीफ मिनिस्ट्री का ओथ लेने की बात है तो ज़ाहिर है कायम अली शाह के चीफ मिनिस्टर हैं मगर जब ग्राउंड पर इफेक्टिविटी की बात आती है तो शायद वहां सूरत हाल तब्दील होती है वो आसिफ अली जरदारी साहब के न सिर्फ रास्ते okay. रास स्पीकर कौमी असम्बली के हस्बैंड हैं चालीस साल से उनके दोस्त हैं जरदारी के साथ के आधं आधं के जब रद्द अमल पर शहर बंद करते हैं आपके रद्द अमल में जब झिगड़े शुरू होते हैं मैं उसको कह रहा हूं उससे सफर जुल्फ़कार मिर्जा के बदीन के लोगों ने सफर नहीं किया ठट्टा के लोगों ने बदीन नहीं सफर किया अंदरून सिंध के लोगों ने सफर नहीं किया सफर किया सिंध के शहरी इलाकों के लोगों ने आपके वोटरों इसलिए मैं कह रहा हूं आपके रद्द अमल से अगर नुकसान पहुंचता है यहाँ के लोगों को आप तो फिर तो सवाल करेंगे बात लोग। को बहुत सवाल बिल्कुल होना चाहिए लोगों को इस बात को समझना चाहिए पूरे पाकिस्तान के कि कराची का और खास तौर पर सिंध के अर्बन एरियाज का 85 परसेंट मैंडेट आठ बार हमारे पास है आठ बार से यानी एक स्टेब्लिश फैक्ट है कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता और अगर कराची को करा, सिंध के अर्बन एरियाज को दीगर एरियाज को अगर कहीं नुकसान पहुंचता है तो 85 फाइव परसेंट मैंडेट हमारा है लिहाजा बरह रास्त पिचासी फीसद नुकसान एम क्यू एम को पहुंचता है और हम ये बात जाने? बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को मगर क्या करें एक ऐसी सूरत हाल में कि जब लोग सियासी अखाड़ा इसी जगह को आकर बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि एम क्यू एम एक पाकिस्तान तंजीम है सारी तंजीमें okay. जोर आजमाई यहां पर आकर करती हैं कौन सी जमात है जिसके यहां पर हड़ताल क्या सुन्नी तहरीक ने हड़ताल नहीं की क्या एनपी ने हड़ताल नहीं की क्या मैंडेट ने ने नहीं दिया है आपका जिम्मेदारी वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर किसी सियासी जमात की जानिब से हड़ताल की कॉल है और वजारत दाखिला ऐसे शख्स के पास है जो नफरत करता है कराची के सिंध के अर्बन सेंटर्स से और उसकी नफरत आज बयानों में जाहिर हो रही है और उसकी इफेक्टिविटी ऐसे मौकों पर जीरो है तो आप हमसे क्या तो रखते हैं कि हम दस तो गरीबा हो जाएं उन लोगों से जिन्होंने हड़ताल की है चले आपसे अगर भाई जो लोग तो करते हैं वो ये तो करते हैं कि जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तो लोग ये भूलते नहीं है कि जी उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि तीनों बड़ी पार्टियां ए एन पी पीपल्स पार्टी एम क्यूम के मुसल्ला विंग हैं एक तो वो कहते हैं दूसरा उन्होंने कहा है कि जी अब जो डिसीजन आया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा अभी हमने देखा महीना डेढ़ महीना जब तक प्रोसीडिंग होती रही सुप्रीम कोर्ट में कराची डिस्ट्रिक्ट में हालात ठीक रहे लेकिन पिछले दो तीन दिनों से फिर हालात आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ जा रहे हैं मेरा सवाल आपसे एक बड़ी पार्टी की हैसियत है जिसका सबसे बड़ा मिजाज साहब के सवाल पे जवाब में आप कह रहे हैं मैंडेट है तो वो आप लोग कहते हैं कि जी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना एम को एम किया है कि वो कराची के वायलेंस को रुकवाए अगर वो नहीं रुकवा सकते तो कोई भी नहीं रुकवा सकता इसके बारे में क्या कहेंगे मैं तो जी, बिल्कुल सौ फीसद इतफाक करता हूँ आप याद कीजिए वो दौर कि जब एम क्यू एम के पास कराची और सिंध पूरे सिंध की वजारत दाखिला थी दो हजार दो से लेकर दो हजार आठ तक इक्का दुक्का वाकयात के अलावा कोई एक ऐसा वाकया जो कि कराची को वायलेंस के लिए मशहूर करे कोई वाकया नहीं हुआ हमने सब चीजों को कंट्रोल करके रखा और वो कराची का डेवलपमेंट के हवाले से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कराची में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ कराची मगर जब इख्तियारात, आप ले लें और उसके बाद ये तो रखें कि एम क्यू एम यह करेगी भाई वजारत दाखिला हमारे पास नहीं है और जब हमारे पास वजारत दाखिला नहीं है पुलिस का कंट्रोल नहीं है रेंजर्स का कंट्रोल नहीं है तो फिर हमसे यह तो क्यों रखी जाए अगर खुदा न खासा पंजाब में कोई डकैती या लाहौर में कोई डकेती हो रही है एक बहुत बड़ा मैंडेट दूसरी जमात के पास भी है क्या वो जिम्मेदार हैं उसके आ... जमातें ज़िम्मेदार नहीं होती गुफ्तगु वजारतें होती हैं जो वजीर होते हैं जिनके पास इख्तियार होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं गुफ्तगु यहाँ तक पहुँची हैत तो मुझे क्विक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है और उसके बाद हम जब ब्रेक के बाद आएंगे वो बुनियादी सवाल तो होगा जरा हमने लाहौ मुल्तान फैसलाबाद में भी कुछ लोगों से ये मालूम करने की कोशिश की है कि एम के एम जो पंजाब में आ रही है उसका सियासी तौर पर क्या मुस्तबिल होगा लाहौर मुल्तान फैसलबाद और हाँ वो बुनियादी सवाल तो मुझे बहरहाल हैदर रजवी साहब से करना ही है कि जो उन पर इल्ज़ाम तबातुर से लगते रहे हैं ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं क्या वो ये कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम कतन कतई तौर पर ग़लत हैं और अगर हैं तो उसका सबब क्या है ये और बहुत सारे सवाल एहत्या के बाद तो आप अलग सवाल है ना आपको पता है इस्लामाबाद में बैठे हैं मिलते हैं वक्फ़े के बाद हमारे साथ रहिएगा और वक्त मिला तो डबल टू सेवन जीरो एट सिक्स नन के जरिए आपको भी शरीक गुफ्तू करेंगे